2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो चुकी है। हर कोई जद्दोजहद में लगा है 2024 के अहम चुनाव को लेकर। बीजेपी जहां फिर एक बार हैट्रिक लगाने के मूड में नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए फिर से उठकर खड़ी होना चाह रही है। वहीं कई छोटी छोटी पार्टियां भी इस चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकने को लेकर प्रयासरत नजर आ रही है। छोटी छोटी पार्टियां भी 2024 के चुनाव को लेकर खुद को शेर मान रही है, फिर चाहे वो जेडीयू हो, टीएमसी हो या फिर समाजवादी पार्टी। जी, समाजवादी पार्टी भी इस जद्दोजहद में शामिल है। समाजवादी पार्टी भी 2024 को लेकर सपने बुन रही है। यूपी में अब तक सक्रिय रहने वाले समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखने लगे हैं। हैरान मत होइए, समाजवादी अखिलेश को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर ही पेश कर रहे हैं। लाइव डिबेट में इसका उदाहरण देखने को मिला, जब डिबेट हो रही थी कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में गैर बीजेपी सरकार बनेगी। खड़गे के बयान पर ही चर्चा हो रही थी कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने कहा, अखिलेश यादव पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। बस मनोज सिंह का इतना कहना भर था कि बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी ने सपा के प्रवक्ता के बयान पर चुटकी ले ली। दरअसल सपा नेता ने कहा, अगर गैर बीजेपी सरकार बनाने का किसी में पराक्रम है तो वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव में है। उन्होंने यूपी का मुख्यमंत्री रहते हुए लंबा हाईवे बनवाया और करीब 20 लाख लोगों को लैपटॉप दिया। अगर कोई अपने वादों को पूरा करता है तो वो केवल अखिलेश यादव ही है। दरअसल सपा प्रवक्ता मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से संतुष्ट नजर आ रहे थे। उन्होंने खड़गे की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अब भारत में गैर बीजेपी सरकार बनेगी। सपा नेता की इस बात पर एंकर ने पूछा, अखिलेश यादव को आप प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देख रहे हैं, लेकिन ये आपका स्टैंड है या फिर समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसा कहा गया है? इसके जवाब में सपा नेता ने कहा, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता, लेकिन मूल्यों के आधार पर अखिलेश यादव पीएम पद के उम्मीदवार है। सपा नेता के इस बयान पर बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी हंसने लगी। उन्होंने कहा, इस मनोरंजन के लिए एंकर का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अपराजिता सारंगी ने खड़गे के बयान का समर्थन न करते हुए उन्हें अपरिपक्व बताया। कहा कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना यथार्थ से इतना दूर नहीं होना चाहिए। 2024 में तो प्रधानमंत्री के लिए कोई पद खाली ही नहीं है। नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। बीजेपी सांसद ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी भी मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अगर अखिलेश यादव पीएम पद के उम्मीदवार हो जाएंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां जाएंगे? तो कुछ इस तरह से बीजेपी सांसद ने सपा प्रवक्ता के सपनों को तार तार कर दिया। वहीं अपराजिता सारंगी के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी सपा प्रवक्ता की गलतफहमी को दूर किया। जितेंद्र सिंह नाम के यूजर ने लिखा, मनोज जी दो सीट जीतने से पीएम नहीं बनते, मुंगेरीलाल के सपने मत देखो। हरीश त्रेहान नाम के यूजर ने लिखा, बीजेपी अपना परचम लहरा चुकी है और अगला चुनाव भी बीजेपी का ही होगा। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स भी सपा प्रवक्ता के बात से संतुष्ट नजर नहीं आए। वैसे आप सपा प्रवक्ता मनोज सिंह काका की बात का कितना समर्थन करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अभी ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उस पर अखिलेश यादव पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं? क्या अखिलेश भी खुद को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देख पा रहे हैं, जो उनके प्रवक्ता लाइव डिबेट में अखिलेश को पीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश कर रहे हैं? सपा प्रवक्ता किस बात पर अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।